ठीक है, मुख्यमंत्री के अंदर नियति ही नहीं है नीति बनाने को, और जिस दिन उनके अंदर नियति आ जाएगी पड़ोसों बाबूजी का झारखंड थोड़े बंद करेंगे, बंद हो जाए, हम लोग रहेंगे रोड पर। राज्य की तमाम जनता सड़क पर होगी उस दिन, बंदी कराने के लिए नहीं, बंद में जुलूस निकालने के लिए। हर दुकान खुला होगा, अब पैर तोड़ दिए जाएंगे जो बाहर निकलेंगे बंद कराने के लिए। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हिलेंगे नहीं, जो नारा है हम सबका कि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हिलेंगे नहीं। हम लोग सर में कफन बांध के निकले हैं, हम लोग आधा अधूरा काम करने के लिए नहीं आए हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तरह झारखंड के तीन क्रांतिकारी साथियों में अमित महतो, टाइगर जयराम जी और तीर्थनाथ जी जैसे क्रांतिकारी साथियों ने खतियानी आंदोलन का जो बिगुल फूका है, इसका अंजाम कहां तक जाकर रुकेगा, जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर झारखंड 32 खतियान को लेकर धरना प्रदर्शन अभी तक जारी है। आइए तीर्थनाथ जी से बात करते हैं। लोग आप जैसे क्रांतिकारी साथियों के 32 खतियान को हाथों हाथ ले रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे खतियान को थोड़े ले रहे, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, और इस राज्य का प्रमुख जो मुद्दा है वो यही है। इसके नाम पर ही राजनीति हुई, इसके नाम पर ही सरकारें बन गई, इसके ही नाम पर कई लोग नेता बन गए। कहीं ये सरकार को अस्वस्थ करने का अलग तरीका तो नहीं है? अरे क्यों, हम लोग सरकार बनाए हैं तो अस्वस्थ क्यों करें, हम लोग सरकार बनाए हैं। यहाँ जितने लोग हैं सबसे बात कर लीजिए आप, इन्हीं लोगों ने सरकार चुनी है, इन्हीं लोगों ने मुख्यमंत्री को वोट किया, सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट किए हैं, तो हम लोग अस्त्रस्त, हम लोग बस हमारा मुद्दा मिल जाए, हमें हमसे मुख्यमंत्री मिलने, हमारी मुलाकात हो जाए और खतियान आदर स्थानीयता पर बात हो जाए, गजट संख्या 660 24/12/2021 रद्द हो जाए, इससे ज़्यादा हम लोग क्या चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार कोरोना के दर्द से अभी अभी निकली है, तो मुख्यमंत्री जी को झारखंड के विकास के लिए क्या समय देना चाहिए? नीति बनाने के लिए कोरोना और कारोना का क्या मतलब है? नीति बनाने के लिए तो आवश्यकता नहीं है, नीति बनाने के लिए बजट की आवश्यकता नहीं है। नीति आप बंद कमरे में बना सकते थे, अगर आपको नियोजन नीति बनानी है, स्थानीय नीति बनानी है, तो आप तो बंद कमरे में बना सकते थे। इसमें कोरोना कारोना का क्या मतलब, ये सबसे बहाना एक्सक्यूज़ है। और रही बात मुख्यमंत्री को सलाह देने की, तो मुख्यमंत्री BMW खरीद सकते हैं, जब मुख्यमंत्री मंत्रियों के लिए बंगला बनवा सकते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रियों के लिए 40 लाख 45 लाख की गाड़ियां खरीद सकते हैं, तो हमारे लिए तो नीतियां बना ही सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीतियां बनाने के लिए कोरोना और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, दरिया लगा तुमने देखा, नीतियां बनाने के लिए बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। नीति बनाने के लिए आपका सिद्धांत बेहतर होना चाहिए, आपकी विचारधारा बेहतर होनी चाहिए, आपकी खुद की नियति बेहतर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की नियति ही बेहतर नहीं है कि वो नीति बनाए। चुनाव में जब जाते हैं तो कहते हैं 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति हम बनाएंगे, लेकिन जब वो विधानसभा में उनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम हाईकोर्ट द्वारा जो दिया गया आदेश है उसको हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। 36 पन्ने का आदेश का 36 साल लगेगा पढ़ने में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये पूछना हम चाहते हैं कि 36 पन्ने का हाईकोर्ट का जो आदेश है क्या उसको 36 साल लगेगा पढ़ने में, और किससे पढ़वाएंगे? वो सुप्रिया भट्टाचार्य से, बांग्लादेश से जो बंगाल आए, फिर बंगाल से झारखंड आए, उससे पढ़वाएंगे, या अभिषेक प्रसाद पिंटू से पढ़वाएंगे जो खुद बाहरी हैं, या विनोद पांडे से पढ़वाएंगे जो यहाँ के नहीं हैं, या राजीव रंजन मिश्रा से पढ़ाएंगे जिन्होंने 1932 खतियान के आधार पर जब स्थानीयता तय की गई थी बाबूलाल मरांडी के द्वारा, उस पर स्टे लगवाने के लिए वकालत कर रहे थे, किससे पढ़वाएंगे? ये फालतू की बातचीत है, मुख्यमंत्री के अंदर नियति ही नहीं है नीति बनाने को, और जिस दिन उनके अंदर नियति आ जाएगी उसमें कोई कोरोना और कोई कुछ और कोई, आप बोलेंगे कि तृतीय विश्वयुद्ध की तैयारी चल रही है, आप बोलेंगे यूक्रेन में हमला चल रहा है, ये सब बेफालतू की बात है, मुख्यमंत्री की नियति नहीं है बस। 6 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किया गया, इस पर आप क्या करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके बाबूजी का झारखंड थोड़े कि बंद करेंगे और बंद हो जाए, हम लोग रहेंगे रोड पर। राज्य की तमाम जनता सड़क पर होगी उस दिन, बंदी कराने के लिए नहीं, बंद में जुलूस निकालने के लिए। हर दुकान खुला होगा, अब पैर तोड़ दिए जाएंगे जो बाहर निकलेंगे बंद कराने के लिए। कहाँ बंद कराएंगे, राजधानी में कहाँ बंद कराएंगे? ये सब घर हमारा बंद आप कराएंगे, इतना दम हो गया है, खुद 4x4 कमरे के घर में रह रहे हैं अतिक्रमण करके, और चले झारखंड बंद कराने, उनका पैंट का जिप बंद नहीं कर पा रहे हैं खुद से, और झारखंड बंद करेंगे, ये बेफालतू की बातचीत है। माइक आप लोग दे देते हैं, उलझुल लोग बात कर लेता है, चार वो आदमी नहीं रहता है, रिटायर किया बूढ़ा बुजुर्ग लोग को ला कर रख दिया, जिनका आज ना कल का समय है, सबके दांत टूट गए हैं,
उन लोग को बुला कर वो झारखंड बंद कराएंगे। हमने क्या मुख्यमंत्री दादा से हटे क्या खो कि हमने धनबाद मोहदा मोड़ से बोकारो होते हुए दादा तोठन रांची तौर से मिले खातिर लियो और हमने कुछ स्पेशल तौर से मांगल ना लियो कि दादा तो कहीं हमारा 5 एकड़ जमीन दे दे हम विश्वविद्यालय खोलबो या अगर हमने सिंपल साधारण बात गजट संख्या 360 660 गजट संख्या 660 जो 24/12/2021 को लागू किया गया था उस चीज़ को पूर्ण रूपेण उसे निरस्त कर दिया जाए और 1932 खतियान हमको खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति ये सारी चीज़ें लागू कर दें और हम लोग को उनसे कोई चीज़ की मांग नहीं है। हर झारखंडवासी आज 1932 खतियान की मांग कर रहे हैं और आप इस पे कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं बोले कि हम कोर्ट के आदेश को पढ़ेंगे। आप 20 साल से 2002 में इस पे लगा हुआ था, अब 20 साल से आपकी सरकार कितनी बार बनी, गठबंधन की सरकार हो या आप सरकार के साथ हैं, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं तो कभी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन आप सत्ता पे तो थे उतने दिन तक और आप हमसे खुद वोट मांगने जब गए थे ना हमारे घरों तक, तब आप हमसे बोले थे कि हम 1932 खतियान लागू करेंगे, तो हमने आपको अपना प्रतिनिधित्व करके सारा कुछ आपको वोट डाल के आपको मुख्यमंत्री बनाया है। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हिलेंगे नहीं जो नारा है हम सबका कि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हिलेंगे नहीं। और मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या है, कैसे सोच रहे हैं, हम लोग 150 किलोमीटर चल के आए हैं, उनको थोड़ा सा भी दर्द नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री क्या काम का, जब हम सबों की जनतों की बातों को नहीं सुनना है तो क्या फ़ायदा ऐसा मुख्यमंत्री का। आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन हम लोग अभी किसी को बुलाए नहीं है, जब बुलाएंगे तब देखा जाएगा कि कैसा माहौल रहेगा। झारखंड बंद करने का 6 तारीख को कुछ भी नहीं होगा बंद, देख लीजिएगा आप सब मीडिया बंधु सब रहेंगे तो दिखेगा कि क्या बंद हुआ, कुछ भी बंद नहीं होगा, स्टेट हमारा हक जता रहा है कोई और, ऐसा एकदम नहीं होने वाला है, एकदम सबसे यही कहेंगे कि सब घूमेंगे और कोई सब विरोध ही करेंगे वो अनशन का, वो कोई बंद बंद होने वाला नहीं है, ये सब फिजूल की बातें हैं इसमें हम सब ध्यान नहीं देना चाहते हैं। हाँ हाँ, मेरा भी आज हम ये अमरन अनशन है, ये आज हम लोग का दूसरा दिन है और अभी हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक से मुख्यमंत्री हमारा सुध नहीं लेंगे, मैंने हमने से मिल तो ना है मुख्यमंत्री जब तक है, तब तक से तो हम लोग मैंने आमरण अनशन क्या, हम लोग आगे भी इससे जो कुछ करना रहेगा आमरण अनशन तो ये मैंने हम कर ही रहे हैं, अगर इससे भी अगर मुख्यमंत्री का अगर दिल नहीं पसंद ना तो हम लोग क्या करेंगे, वो आत्मदाह भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं अभी किसी भी हालत में, कहाँ जाएंगे बताइए। एक तो हम लोग ऐसे ही 21 तारीख से 3 दिन हमने चेल कह लिए, उतना 3 दिन 4 दिन चेल कह लिए, मुख्यमंत्री कोई सुध नहीं ले लो हमने के, अब जब वहाँ कर देख लिए कोई सुध नहीं ले लो तो हम लोग फिर नया अति कर लेकिन हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, अगर उससे भी नहीं मानेंगे और हमारा बात को नहीं सुनेंगे तो फिर हम उसके आगे भी जाएंगे, क्या कि हमारे यहाँ के देखिए नियोजन नीति नहीं है, शिक्षा नीति नहीं है और जो भाषा विवाद जो है उसको पूर्णता मना उसको खत्म कीजिए, निरस्त कीजिए, कहीं आधा उधरा करके कोई करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों का कहना है कि या तो आप जाइएगा या तो आपका कफन जाएगा। हाँ हाँ एकदम, हम लोग सर में कफन बांध के निकले हैं, हम लोग आधा अधूरा काम करने के लिए नहीं आए हैं, हमको हमारी मांगे मैंने हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा मुख्यमंत्री को, और नहीं तो हम लोग यहीं पे अपना क्या करेंगे, बलिदान दे देंगे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। कितने दिन तक भूख हड़ताल कीजिएगा? ये भूख हड़ताल अभी जब तक से हमारी मुख्यमंत्री हमारी बातों को जब तक से नहीं सुनेंगे हमसे मिलने नहीं आएंगे, हम लोग भूख हड़ताल से हटने वाले नहीं है। अरे जब तक शरीर में जान है, झारखंड के बेटा लगी है मार भात खाए के हमने नहीं कहे छोटे से बड़ा हुआ लिया कहते काम कर लिए, अखन जय दिन आते हमने कोटा से डरे वाला नहीं है, अखन हमें बस चलते जी भाई, भूख हमारे हमने लक्ष्य से मैंने भटके नहीं पड़ते, ये तो बस एक झाकी अभी बहुत कुछ बाकी है, हम छोड़ने वाले नहीं है, हमने माए काकी बाप दादा सबके आशीर्वाद है कि बेटा उठना नहीं है, या तो उठना नहीं है या तो मुख्यमंत्री आएगा नहीं तो बस सीधे एकदम शहादत, इसके अलावा कुछ नहीं। हार कैसे जाना है, नियुक्ति लेके नहीं जीत के जाएंगे, अरे हारने का तो सवाल ही नहीं है, हर हालत में जीत, हम लोग हारना नहीं सीखे हैं, अरे अपन घर नहीं जीतबे तो कहाँ जीतबे बाहर है, इटा हमारा अपन घर लागे, छोड़ नहीं सकलिए, हम छोड़ देबे तो फिर क्या लड़ते, छोड़ नहीं सकलिए, बस जीतने के लिए आए लिए तो जीते खातिर आए लिए, दादा के हमने जीतवा लिया और हमेशा जीतो मिले लेते, हमने बात तो माने लेते,
कहाँ जीबे हम कोकरा कब है आप दोसर कोकरा देखबे दोसर पार्टी से हमने कोई मतलब ना है दादा हमने अपन घर एक पार्टी लगे गुरु जी माने ने हमने पितामा लगे तो और हमने ओकरे से ना मैंने उम्मीद करब कि हमने बात ताऊ सुनते और हमने समस्या के समाधान करते हम बोकारो के राउदडी बस्ती से मालियो हमारा नाम सजल कुमार रजवार। तो आपने देखा कि इनका आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है और धरना प्रदर्शन का आठवां दिन है। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।